ये हमारा एक पावर फ्लो रहेगा कि स्टेटर को इनपुट आया, स्टेटर को इनपुट हमारा ये आ गया 3VSP ASP cos φ, और इसमें से फिर दो लॉस निकल गए, स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर का कोर लॉस। तो ये हमको मिल गया POS, स्टेटर आउटपुट पावर, या फिर इसको एयर गैप पावर कहें या फिर रोटर इनपुट पावर कहें। तो POS कहो, PG एयर गैप पावर कहो, या फिर इनपुट टू द रोटर, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गया हम रोटर इनपुट पे। अब रोटर इनपुट पे फिर रोटर में कौन कौन से लॉसेस होंगे, तो रोटर में आपका आई स्क्वायर लॉस रोटर में भी होगा, उसको मैं बोल दिया 3I² R2, रोटर में जो करंट है और रोटर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर थोड़ा सा कोर लॉसेस रोटर में भी होंगे, रोटर कोर लॉसेस कई बार हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, बात हम कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी रोटर की जो है कम हो जाती है जब स्लिप डेवलप होता है तो स्पीड पे, तो बहुत लो वोल्टेज भी कम होता है, E2 जो होगा स्टैंड स्टिल उससे कम रहेगा SE2, तो हम कई बार रोटर का कोर लॉस नेगलेक्ट कर देते हैं, बट है कुछ ना कुछ तो रोटर में भी कोर लॉस है। बाकी फिर उसके बाद क्या होगा, रोटर कोर लॉस कपल हट जाएगा, मैकेनिकल पावर डेवलप होगा, फिर वहाँ से कुछ फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस होंगे, और वो होने के बाद फाइनली हमको शाफ्ट पावर मिलेगा। तो कुछ एक लॉस डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, और फिर एक होता है स्ट्रे लोड लॉसेस, ये थोड़ा मिसलेनियस लॉसेस है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग लीकेज फ्लक्स की वजह से कुछ लॉसेस होते हैं, इसको भी वेरिएबल लॉस बोलते हैं, तो ये इसको मिसलेनियस लॉसेस में हम लेते हैं। मैकेनिकल पावर डेवलप PMD, इफ द रोटर कॉपर लॉसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रोटर इनपुट, पी इनपुट में से या PG में से अगर मैंने रोटर कॉपर लॉस निकाल दिया तो हमको PMD मिलता है, ये तो हमने पहले भी देखा था। PMD कैसे मिलता है, PG में से अगर हम रोटर कॉपर लॉस निकाल दें रोटर इनपुट में से, ठीक है। आउटपुट कैसे मिलता है, तो PMD में से फिर हम फ्रिक्शन विंडेज निकाल लें और मिसलेनियस जिसको स्ट्रे लॉसेस बोल रहे हैं उसको भी निकाल दें मैकेनिकल पावर डेवलप में से, तो हमको फाइनली शाफ्ट का पावर मिल जाता है, ठीक है। ये एक पावर फ्लो, ये हमने पहले भी हल्का डिस्कस किया हुआ था। अब एक रोटेशनल लॉसेस बोलते हैं बार बार, वो क्या होगा वो देख लेंगे एक बार, क्योंकि इसमें बार बार रोटेशनल लॉसेस जो न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो रोटेशनल लॉसेस का टर्म आता है बीच में। सो विद द इंक्रीज इन द स्पीड ये लॉसेस हमारे डिक्रीज होते हैं, इसमें फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस है, रोटेशनल कौन सा है, फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस, ठीक है, और कोर लॉसेस और मिसलेनियस लॉसेस सारे, ठीक। ये हमारे इसमें हम बोलते हैं इसको रोटेशनल लॉसेस में। तो आउटपुट पावर की बात करेंगे तो पी मैकेनिकल डेवलप जो है उसमें से आप रोटेशनल लॉसेस निकाल दो तो भी आपको सीधे आउटपुट पावर मिल जाएगा। अब उसमें रोटेशनल में क्या क्या आएंगे, फ्रिक्शनल विंडेज, कोर लॉसेस और मिसलेनियस लॉसेस अगर कुछ है तो वो। तो स्टेटर का इनपुट अगर इसको फ्लो डायग्राम फिर फाइनल समझ लें, स्टेटर इनपुट है उसमें I² R लॉसेस होगा, कोर लॉसेस होगा, फिर स्टेटर से आउटपुट पावर जाएगा एयर गैप पावर, उसमें से फिर I² R लॉसेस हो जाएगा रोटर में निकाल देंगे तो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा। फिर मैकेनिकल पावर डेवलप में से क्या क्या निकालेंगे, स्ट्रे लॉसेस, विंडेज, फ्रिक्शन, रोटर कोर लॉसेस, तो जो इसको सारे को रोटेशनल बोल रहे हैं एक साथ इन सारों को बोल रहे हैं रोटेशनल। ये सब अगर माइनस कर देंगे तो फिर हमको मिलेगा यूजफुल आउटपुट पावर, अगर मैकेनिकल डेवलप पावर में से हम ये सब माइनस कर देते हैं तो। ठीक है, ये एक बेसिक तुम्हारा पावर फ्लो डायग्राम, और इस पावर फ्लो डायग्राम में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं आगे, इसमें स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग मेथड से पहले हम न्यूमेरिकल इसके देख लेते हैं।
अभी सर्किट पैरामीटर में पढ़ रहे थे, उसमें निकालने के तरीके तो आपके हैं जो नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट से फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको नो लोड ब्लॉक रोटर टेस्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद ही इसके करते हैं। तो अभी तक आपके दिमाग में इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सर्किट पैरामीटर हमारे कौन कौन से हैं, जैसे स्टेटर और रोटर के, और उसके बाद पावर फ्लो डायग्राम हमारा कैसा रहेगा। पहले कौन कौन से पावर होंगे, कौन कौन से पावर लॉसेस हटाएंगे हम, और फिर कौन से पावर को मिलेगा। और उसके बाद अभी तक आपको ये भी क्लियर होना चाहिए टॉर्क स्लिप जो कैरेक्टरिस्टिक हमारी थी वो कैसे कैसे वेरी कर रही है। तो एक रफ आइडिया अगर हम फिर से ले लें तो अगर इस तरह का हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनता था तो वोल्टेज की, अगर स्टेटर वोल्टेज की बात करें तो उसके हिसाब से कैसे वेरी होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप वोल्टेज कम करते जाओगे तो इस तरह का मिल जाएगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसके प्रोपोर्शनल कुछ ऐसा प्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, स्पीड टॉर्क का स्पीड या फिर स्लिप बोलो इधर, और रोटर रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता था, रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता था कि मैक्सिमम टॉर्क जो है चेंज नहीं होता था, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता था और मैक्सिमम टॉर्क जहाँ पे मिल रहा है वो स्लिप बढ़ती थी रेजिस्टेंस के साथ साथ। अगर आपका ये कोई प्लॉट है तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते थे तो आपको प्लॉट कैसे मिलता था, कुछ इस तरह से। मैक्सिमम टॉर्क जो है वो सेम है लेकिन स्लिप जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क मिली है वो अभी बढ़ गई। ठीक है, आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क आकर वो बढ़ गया और स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका बढ़ गया। ठीक है, पहले ये था और फिर ये हुआ। और फिर एक चीज़ और हमने कही थी कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर जहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, उसके बाद अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट आएगा, कैसा इंस्टेंट आएगा, ऐसा इस तरह का जहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क भी मिलेगा वो स्टार्टिंग में मिल जाएगा, मतलब स्लिप इज इक्वल टू वन जब है आपके यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप फर्दर रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो क्या होगा, फिर आपके स्टार्टिंग टॉर्क घटेगा। यहाँ तक तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद अगर आप बनाओगे प्लॉट तो कैसे बनेगा, ऐसा, तो कम हो गया कुछ रेजिस्टेंस, यहाँ से नीचे आ गया आपने। तो रोटर रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ने के साथ साथ स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा बट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क मिल जाए, उसके बाद अगर बढ़ाते हैं अगर रोटर रेजिस्टेंस तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा कम होगा, मैक्सिमम टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क आकर उस पे फर्क पड़ेगा, वो हमारी बढ़ती जाएगी रोटर रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो आपके टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या फर्क पड़ता है, किस किस पैरामीटर से, ये भी आपको पढ़ना है, इसमें जानकारी रहनी चाहिए। ठीक, कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है सीधे, तो आपको प्लॉट बना के समझाना पड़ेगा कैसे कैसे वोल्टेज के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, और रोटर रेजिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है, स्टेटर के रेजिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमको बतानी है। तो जो टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं उसके हिसाब से ही हम समझा सकते हैं सारी चीज़। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ तक इतनी क्लियर रहनी चाहिए, एक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हमारी कैसी है और बाकी प्रिंसिपल वगैरह तो स्टार्टिंग में हो ही गए हैं, बाकी पावर फ्लो डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट कौन कौन से लॉसेस हुए, सर्किट पैरामीटर क्या है, पावर फ्लो डायग्राम क्या है, फेजर डायग्राम भी इसका आता है जैसे तुम ट्रांसफार्मर का बनाते हो ना फेजर डायग्राम, सेम वैसे ही ट्रांसफार्मर जैसा ही है सेम वैसे ही इसका भी फेजर डायग्राम आपको आता है, फेजर डायग्राम बनाना होता है। तो फेजर डायग्राम आता है बनाने, ट्रांसफार्मर को बनाया था,
तो अलग अलग लोड के लिए बनता है, लैगिंग लीडिंग सबके लिए। तो इंडक्शन मोटर जनरली हमारा लैगिंग लोड ही है, ठीक है। तो ये फ्लक्स हो जाएगा, फिर इंडक्शन ईएमएफ तुम्हारे नीचे की तरफ इसके हिसाब से दोनों, फिर जैसे इक्वेशन लिखते हो प्राइमरी की ई वन ई टू तो माइनस ई वन ऊपर, फिर वो दोनों का ड्रॉप कैलकुलेट करके नो लोड करंट दो पार्ट में होंगे, एक आई सी आई एम यू सेम वही जो ट्रांसफार्मर का बनाते हो, आई एम यू रहेगा इधर हमारा आई एम यू आई सी, फिर साथ में नो लोड करंट, फिर सेकेंडरी करंट आएगी, सेकेंडरी का आज फिर रिफ्लेक्शन आएगा, फिर इनका दोनों को मिला के तो आपका प्राइमरी का करंट बनेगा। तो वो सारी चीज़ें जो ट्रांसफार्मर में हम करते थे वो सब इसके फेजर डायग्राम में भी वो बनेंगी, इसको डिस्कस कर लेंगे, वो बनाएंगे आप इसका फेजर डायग्राम बनाइएगा, नहीं तो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, सेम ट्रांसफार्मर की तरह ही है। तो इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम जैसे ट्रांसफार्मर में आता था सेम वैसा इसमें भी आ सकता है, और लॉसेस और उसके बाद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, अभी हम जैसे पावर फ्लो डायग्राम में गए तो लास्ट में जो पावर मिली पी ऑफ पी नॉट शाफ्ट पावर, वो आपकी आउटपुट पावर है, और बाकी जो स्टेटर को इनपुट हुआ था वो इनपुट है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी पी नॉट बाई पी आई एस। तो इतनी चीज़ें को क्लियर रखें, इसके बाद हम अपना स्टार्टिंग मेथड पढ़ेंगे इसमें कि अलग अलग स्टार्टिंग मेथड्स हैं कैसे कैसे। एक तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग है, वो छोटे रेटिंग मोटर तक चलता है, बड़े रेटिंग का मोटर आता है तो दिक्कत आती है, स्टार्टिंग करंट बहुत हाई हो जाता है। तो स्टार्टर जब भी हम पढ़ते हैं ना दिमाग में रहना चाहिए कि इट इज़ फॉर सेफ स्टार्टिंग, कहीं भी मोटर में हम स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बिना स्टार्टर के मोटर चालू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारा सेल्फ स्टार्टिंग है, तो तुमसे कोई कहेगा स्टार्टर क्यों लगा रहा हो जब सेल्फ स्टार्टिंग ही है। तो यहाँ जब भी हम स्टार्टर की बात करेंगे तो स्टार्टर हम लगाते हैं किस लिए, सेफ स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट हमारे बहुत हाई हो जाती है, बहुत हाई रहती है, इसलिए हम स्टार्टर के साथ उसको स्टार्ट करते हैं। डीसी मशीन में भी यही था, डीसी मोटर में थ्री पॉइंट स्टार्टर फोर पॉइंट स्टार्टर बड़े हो गए, तो क्यों करते हैं सेफ स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि मशीन तो हमारा सेल्फ स्टार्टिंग ही है, स्टार्ट तो हो ही जाएगी, बट सेफ स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग करंट बहुत हाई ना, इसलिए हम स्टार्टर यूज़ करते हैं। और फिर वही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात करें फिर वहाँ स्टार्टर के लिए एक कंडेंसर लगा होता है, कैपेसिटर देखते होंगे पंखा वंखे में ऊपर में, तो वो है हमारा स्टार्टर सेफ स्टार्टिंग के लिए नहीं है, वो स्टार्ट करने के लिए ही है, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो वहाँ मोटर को स्टार्ट करने के लिए कंडेंसर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, फेज शिफ्टिंग किया हुआ है, फेज शिफ्टिंग किया हुआ है, तो वहाँ अलग मसला है। और यहाँ जो हम थ्री फेज इंडक्शन और डीसी मोटर में पढ़ते हैं स्टार्टर, ये सारे सेफ स्टार्टिंग के लिए, स्टार्ट तो मशीन हो ही जाएगी भाई, सेफ स्टार्टिंग के लिए है, तो मतलब सबका एम सेम होगा, जितने तरह के भी स्टार्टर पढ़ोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टेटर स्टेट स्टार्टर, और तुम्हारे स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीन टाइप के हैं, इन सब का एम सेम रहेगा, क्या रहेगा कि रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करें और रिड्यूस्ड करेंट जो है स्टार्टिंग में उनको मिले, बाद में नॉर्मल करंट मिले, स्टार्टिंग में थोड़ा रिड्यूस करंट आए ताकि हमारा सेफ स्टार्टिंग हो सके। तो एम सब में सेम रहेगा आगे जो पढ़ेंगे स्टार्टिंग कि कम करंट।